सुप्रीम कोर्ट में अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत याचिका पर सुनवाई इस वक्त भी जारी है। सुप्रीम कोर्ट में हालांकि ईडी के अधिकारी लगातार केजरीवाल को जमानत दिए जाने का विरोध कर रहे हैं, लेकिन कहा जा रहा है कुछ ही देर में अदालत केजरीवाल की अंतरिम जमानत याचिका पर कोई फैसला ले सकता है। दिल्ली शराब नीति घोटाला मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जो इस वक्त तिहाड़ जेल में बंद हैं, ईडी द्वारा गिरफ्तार किए गए। हालांकि निचली अदालत से जिस तरीके से उनके द्वारा गिरफ्तारी को चुनौती दी गई थी, इस मामले में उन्हें राहत नहीं मिली। केजरीवाल ने गिरफ्तारी और रिमांड को हाईकोर्ट में भी चुनौती दी, वहां से भी उन्हें कोई राहत नहीं मिली। इस वक्त केजरीवाल की अंतरिम जमानत याचिका को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। बीते दिनों सुप्रीम कोर्ट द्वारा केजरीवाल की जमानत को लेकर के एक ऑब्जर्वेशन भी सामने आई थी, एक टिप्पणी सामने आई थी, जिसमें यह कहा गया था कि अगर निचली अदालत में वक्त ज्यादा लग रहा है तो केजरीवाल को फिलहाल अंतरिम जमानत दिए जाने को लेकर के कंसिडर किया जा सकता है। और इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में अंतरिम जमानत पर सुनवाई जारी है। थोड़ी ही देर में कहा जा रहा है अंतरिम जमानत पर फैसला मुमकिन है, तो किसी भी वक्त केजरीवाल की अंतरिम जमानत को लेकर के कोर्ट कोई बड़ा फैसला सुना सकता है। सवाल ये कि क्या केजरीवाल को आज सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलेगी। चुनाव चल रहे हैं, आम आदमी पार्टी हालांकि भरसक कोशिश कर रही है कि केजरीवाल की गिरफ्तारी को जनता के बीच ले जाए, सिंपथी वोट्स में उसे तब्दील करने की भरसक कोशिश की जा रही है। आपका कैंपेन चल रहा है जेल का जवाब वोट से, और इसी कैंपेन के तहत आपके जितने नेता हैं वो जनता के बीच पहुंच रहे हैं, केंद्रीय एजेंसियों को लेकर के लगातार केंद्र सरकार को आड़े हाथों लेते नजर आते हैं, जिनका कहना है कि केजरीवाल और उनकी नीतियों से परेशान होकर के केंद्र की एजेंसियों का दुरुपयोग किया गया और केजरीवाल की गिरफ्तारी की गई, उनके विरुद्ध किसी भी एजेंसी को कुछ नहीं मिला है। और इसी तरह की दलीलें देते हुए जनता के बीच आम आदमी पार्टी चुनावों के दरमियान अपना प्रचार कर रही है। चुनाव के प्रचार की कमान केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने भी उठाई हुई है। अब सवाल ये कि क्या आज सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत पर कोई पॉजिटिव केजरीवाल को नतीजे मिलते हैं क्या, सकारात्मक नतीजे मिलते हैं क्या, क्या आज तिहाड़ जेल से फिलहाल उन्हें राहत मिलेगी, अंतरिम जमानत पर सुप्रीम कोर्ट क्या पॉजिटिव कोई फैसला सुनाता है, इसको देखना होगा। हालांकि ईडी की तरफ से लगातार केजरीवाल को अंतरिम जमानत दिए जाने को लेकर के विरोध किया जाता रहा। सुनवाई के दरमियान लगातार ईडी की टीम केजरीवाल को अगर अंतरिम जमानत दी जाती है तो गलत मैसेज कम्युनिकेट होगा, इस तरह की दलीलें देते नजर आए ईडी के वकील। केजरीवाल जो तिहाड़ जेल में हैं, न्यायिक हिरासत में चल रहे हैं, ईडी द्वारा शराब नीति घोटाला मामले में गिरफ्तार किए गए, और इस वक्त उनकी अंतरिम जमानत याचिका को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। सुप्रीम कोर्ट जिसके द्वारा ऑब्जर्व में ये कहा गया कि अगर केजरीवाल के मसले पर वक्त लग रहा है निचली अदालतों में तो फिलहाल फौरी राहत देने को लेकर के कोर्ट कंसिडर कर सकता है, अंतरिम जमानत के मामले को टेकअप किया जा सकता है। और इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में केजरीवाल की अंतरिम जमानत को लेकर के सुनवाई जारी है। ईडी के द्वारा लगातार विरोध किया जा रहा है। अब सवाल ये कि क्या आज आम आदमी पार्टी के संयोजक दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कोर्ट से राहत मिलेगी। तीन चरण के मतदान संपन्न हो चुके हैं, ऐसे में अगर सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलती है तो आम आदमी पार्टी के लिए भी ये बड़ी राहत होगी, क्योंकि दिल्ली में चुनाव अभी 25 मई को होने हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी अजीत प्रताप जुड़ गए हैं। अजीत, केजरीवाल की अंतरिम जमानत को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है, किस तरह की दलीलें दी जा रही हैं, कहा जा रहा है कि ईडी लगातार अंतरिम जमानत दिए जाने का विरोध कर रही है। देखिए प्रीति, अंतरिम जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट ने ही टिप्पणी की, क्योंकि मामला जो उनके खिलाफ चल रहा था वो काफी लंबा चल सकता था, और सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा माना कि अंतरिम जमानत, चूंकि चुनाव चल रहे हैं ऐसे में केजरीवाल को इंटरिम जमानत कुछ दिनों के लिए जेल से बाहर का ऑर्डर आदेश दिया जा सकता है। और इसी कड़ी में ईडी की तरफ से दलील दी गई कि ये एक दूरगामी परिणाम वाला मामला है, और यदि इस तरह से जमानत दी गई तो तमाम तरह के जो नेता आगे जेल में बंद हैं या आगे यदि उनको गिरफ्तार किया गया तो वो भी इसी ग्राउंड पर जमानत के हकदार होंगे, इसलिए इस पर सुप्रीम कोर्ट को विचार करना चाहिए। और केजरीवाल के खिलाफ वैसे भी
पीएमएलए के तहत गंभीर आरोप है और इस आरोप के तहत जल्दी जमानत मिलती नहीं है, इसलिए इनको जमानत नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की अगर टिप्पणियों की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि जमानत देने से यानी चुनाव में प्रचार के लिए जमानत देने से कोई पहाड़ नहीं। ठीक है, इस बीच सुप्रीम कोर्ट में जहां केजरीवाल की अंतरिम जमानत को लेकर के सुनवाई चल रही है, मैं रोक रही हूं अजीत आपको, एक अपडेट दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट से भी है, जहां दिल्ली शराब नीति घोटाला मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट से दिल्ली के सीएम को झटका लगा है। यहां आपको बता दें कि राउज एवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत को 20 मई तक के लिए बढ़ा दिया है। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में न्यायिक हिरासत बढ़ा दी गई है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की। तो एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में अंतरिम जमानत को लेकर के सुनवाई चल रही है, वहीं राउज एवेन्यू कोर्ट में न्यायिक हिरासत की अवधि बढ़ा दी गई है। अजीत, राउज एवेन्यू कोर्ट में जो मामला था वो एक रूटीन मामला है और हर 20-25 दिनों में एक बार वहां पर सुनवाई की जाती है और वहां पर जुडिशियल कस्टडी बढ़ा दी जाती है, क्योंकि केजरीवाल के खिलाफ जो पीएमएलए का मामला चल रहा है उसमें लगभग हर महीने उस मामले की सुनवाई होती है और उसके बाद जुडिशियल कस्टडी बढ़ाई जाती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में दूसरा मामला है जहां पर केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी थी और ये कहा था कि ये अवैध रूप से गिरफ्तारी की गई है। इसी मामले में चूंकि ये मामला लंबा खींच रहा था, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने उस मामले में कहा कि यदि मामला में सुनवाई लंबी चलेगी तो वो अंतरिम जमानत पर विचार कर सकते हैं। और आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस पर आप दोनों लोग बहस कीजिए। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट लगभग साफ कर चुका है कि शायद केजरीवाल को चुनाव में प्रचार करने के लिए जमानत दी जा सकती है। ठीक है, यहाँ पर अजीत अगर बात की जाए कोर्ट की, जो आज की दलीलों के दरमियान एक टिप्पणी, उसमें ये कहा गया कि हर एक व्यक्ति के लिए कुछ असाधारण परिस्थितियां हो सकती हैं, हालात हो सकते हैं। यहाँ हम केजरीवाल की अंतरिम जमानत याचिका को इसलिए कंसिडर नहीं कर रहे हैं सुनवाई के योग्य क्योंकि वो एक पॉलिटिशियन है, बल्कि यहाँ सुनवाई के दरमियान हम ये समझना चाहते हैं कि क्या केजरीवाल के लिए चुनाव वैसे ही असाधारण स्थिति हैं, हालात हैं, जिस पर उन्हें अंतरिम जमानत दी जा सकती है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री के तौर पर या राजनेता के तौर पर केजरीवाल के लिए उसके लिए सुनवाई नहीं की जा रही है, बल्कि हर किसी कोई भी आरोपी होता है तो उसके खिलाफ एक असाधारण परिस्थिति होती है और वो असाधारण परिस्थिति केजरीवाल के लिए आम चुनाव हो सकता है। शायद यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में विचार किया। और अब से कुछ देर में जिस तरह से संकेत मिल रहे हैं, जिस तरह से टिप्पणियां हैं आप देख सकती हैं कि सुप्रीम कोर्ट की, ऐसा लग रहा है कि शायद केजरीवाल को चुनाव के लिए जमानत दे दी जाए, इंटरिम जमानत। और ठीक है, हमारे जो दर्शक इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं, भारत एक्सप्रेस के तमाम दर्शकों को एक अपडेट दे देते हैं। दिल्ली से जुड़ा हुआ, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से जुड़ा हुआ अजीत मेरे सहयोगी लगातार मेरे साथ बने भी हुए हैं, जहां सुप्रीम कोर्ट में अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत को लेकर के इस वक्त सुनवाई चल रही है, हालांकि ईडी इसका विरोध कर रही है, वहीं शराब नीति घोटाला मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट से दिल्ली के सीएम को बड़ा झटका लगा है। राउज एवेन्यू कोर्ट में अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत की अवधि को अब 20 तारीख तक के लिए बढ़ा दिया गया है। तो देखिए, आज 7 मई है, आज से लेकर 20 तारीख तक न्यायिक हिरासत में रहेंगे अरविंद केजरीवाल। एक बार फिर इस न्यायिक हिरासत की अवधि को बढ़ाया जा रहा है। अजीत लगातार इस खबर पर नजर रखे हुए हैं, जैसे ही न्यायिक हिरासत के बाद अब क्या अंतरिम जमानत मिलता है इसको लेकर के कोई भी अपडेट आता है आप तक तमाम जानकारियां पहुंचाएंगे। शुक्रिया अजीत फिलहाल तमाम जानकारियों को पहुंचाने के लिए।